ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि कह रहा है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट सिल्वर. सो व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट सिल्वर. हेयर इज योर पोल. वेरी गुड, वेरी नाइस. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. कोशिश तो की है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सब नए हो, आपने पहले ना किए हो, बट सारे क्वेश्चंस याद भी नहीं रहते. सो आई हैव ट्राइड टू गेट डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड जो आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इसका आपके पास सही आंसर है AG, ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी, AG इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यस, एनी वन ऑफ यू रेज्ड हैंड. तभी तो बेटा 10th की और ये सारी साइंस प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, बिकॉज आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 9th 10th की साइंस में से. दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग इट ऑल. ओके, सो टाइम स्टार्ट्स फॉर दिस पोल हेयर. इसमें काफी लोग थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं. सो वी हैव गॉट वेरी फ्यू करेक्ट आंसर्स. इसका सही आंसर है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, इसका सही आंसर है ऑक्सीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ये PDF आपको मिल जाएगी, आई विल सेंड इट. ठीक है, ताकि आप इसको आगे की रिवीजन के लिए भी अपने पास रख सको. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेट अधिराथ. क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड हेयर इज योर पोल. डू यू वॉन्ट 30 सेकेंड्स फॉर एवरी क्वेश्चन या 15 सेकेंड्स बहुत है? मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज रियली नाइस. इट्स ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगोर मेंडेल, जो भी उनको कहते हैं, मतलब जो भी सही प्रोनाउंसिएशन है नाम की. सो आफ्टर थ्री क्वेश्चंस, कनिष्का, दर्शन एंड यश आर ऑन द टॉप थ्री पोजीशंस ऑन द लीडर बोर्ड. ठीक है, 15 सेकेंड्स बहुत है, फाइन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट मर्करी. व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट मर्करी. एंड हियर इज योर पोल. वेरी गुड.
मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए एच जी. सो एच जी इज द करेक्ट आंसर. दैट्स द सिंबल ऑफ मर्करी. सो इसका आंसर है एच जी. ये आ गया हमारा फेवरेट क्वेश्चन. Which of the following is not a programming language? Which of the following is not a programming language? Here is your poll for this question. Kya baat hai? All correct answers abhi tak. एक किसी का गलत हो गया. गलत भी नहीं है, जिसने HTML पे क्लिक किया है वो भी अपनी तरफ से सही है. बट रेस्ट ऑल करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड. सो HTML इज आल्सो नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट अगर हमें इन चारों में से एक चूज करना होता तो आपका जो आंसर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए था. HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो बिल्कुल ही नहीं है ना, वो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. HTML फिर भी वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज तो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो वो भी नहीं है. So if I have to mark one out of these four options, I will be going for Microsoft Excel. PDF milega kanak. Microsoft Excel is the correct answer out of the available options. Next question hai, who is credited with the discovery of the law of motion? Who is credited with the discovery of the laws of motion? Options are Isaac Newton, Galileo Galilei, and two more. Yeah. अभी मुझे इसको थोड़ा और छोटा करने दो ताकि आपको चारों options दिख जाएं. I hope now all four options are visible to you. And here we go for the poll. अच्छा, डी ऑप्शन तक आपने देखा ही नहीं. इस एक ये चीज भी इससे सीखोगे कि जब भी आपको आंसर करना है ऑलवेज रीड ऑल द ऑप्शंस फर्स्ट. ये नहीं कि पहली ऑप्शन सही लगी तो उसी पे क्लिक कर दिया. कभी कभी ये होता है कि जो ज्यादा सही होता है वो सही होता है ना. सो सीधा सीधा सही नहीं होता, जो ज्यादा सही होता है वो सही होता है. तो उसको देखने के लिए आपको सारी ऑप्शन देखनी पड़ती है. सो ऑलवेज सी ऑल द ऑप्शन एंड देन चूज योर करेक्ट आंसर. हियर इज योर पोल फॉर दिस क्वेश्चन. Correct answer for this question is, sabne correct the answer, ek ko chhod ke. So almost all correct answers, 17 of you have given the correct answer, ek galat hai. Answer hai iska Isaac Newton. Ek bachche ne Galileo Galilei pe click kiya hai. Theek hai? But I hope it would be clear to you now, ki ye jo answer hai aapka, wo hai Isaac Newton. Fine. Next question you have. Next question you have is, next question you have is question number 7. What is the process of converting? Oh my god. Acha, theek hai, mujhe laga aapko answer bhi dikh gaya. Okay, dikh gaya actually main, par koi baat nahi. Let's do it this way. What is the process of converting a continuous analog signal into a digital format called? अब देखो, जो attentive होंगे उनको answer दिखा होगा, है ना? जो attentive नहीं होंगे उनको answer दिखा भी नहीं होगा. So what should be the answer for question number 7? Question number 7, आपको बताना है what is the correct answer of this? It is not related to internet. ये मैं आपको hint दे देती हूँ. आपको general computing में बताना है. Not related to internet. ठीक है, that's a hint. And here is your poll. So इसमें हमें सबका आंसर सही मिल रहा है. So yes, all correct answer सिवाय दो students के. So analog to digital conversion is the करेक्ट आंसर ओवर हियर. तो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात कर रहे होते तो आंसर मॉड्यूलेशन होता.
बट नॉर्मल कन्वर्जन कंटिन्यूअस सिग्नल्स हैं, सो कंटिन्यूअस सिग्नल्स हैं, दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ओके, विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? सो हम इसमें से ब्लू प्लैनेट किसे कहेंगे? विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? And here are your options, and here goes your poll. Very good. So the answer to this question is Earth. Earth is known as blue planet because of the presence of water, maybe. I don't know, not sure ki why is it called blue planet, but blue planet kehte hum Earth ko. Theek hai? Now this is your next question. Who is known for developing the theory of general relativity? Ek second. Who raised hand, beta? Modulation computer networks में कहते हैं ना कनक, but continuous signals का पूछा था, तो continuous signals के केस में आप normal analog to digital conversion ही बोलोगे उसका आंसर. Okay, I'm giving the poll for this question. Question number 9. So question number 9 के लिए ये रहा आपका poll. Very good. Most of you have given the correct answer, but कुछ लोग ने A और C पे भी किया है, जबकि सही आंसर है Albert Einstein. So Albert Einstein is the correct answer for this question. Next is, what is the chemical symbol for the element carbon? 10th question. What is the chemical symbol for the element carbon? ये तो बहुत easy question है. इस पे आई होप कि सबका आंसर सही आएगा. लेट्स सी, एंड हियर इज योर पोल. ओके, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिनकी केमिस्ट्री मेरी तरह है. सो देर आर फ्यू स्टूडेंट्स, आपका भी मेरी तरह केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट रहा होगा. आप किसी ने सी ए पे किया है, किसी ने सी आर पे किया है, बट या मोर देन 50% ऑफ यू हैव क्लिक्ड ऑन सी, दैट इज योर कार्बन. सो सी इज द करेक्ट आंसर. सो दर्शन, यश एंड विकास आर ऑन टॉप 3 पोजिशंस ऑन द लीडर बोर्ड आफ्टर 10 क्वेश्चंस, राइट? वी हैव 10 मोर टू गो. आई हैव शोन रौनक. ठीक है, सो वी हैव 10 मोर टू गो. लेट्स सी हु मेंटेन्स देयर पोजीशन ऑन द लीडर बोर्ड. और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट सिलिकॉन? व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट सिलिकॉन? ओके, एंड Here are the, हाँ, commerce students के लिए तो और मुश्किल है, because I was also commerce student. मैंने 10th तक ही science पढ़ी थी, उसके बाद कभी पढ़ी नहीं. ठीक है, here is your poll. सही आंसर है SI, silicon. So SI stands for silicon.
सो एसआई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हु इज नोन फॉर फॉर्मुलेटिंग द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? हु इज नोन फॉर फॉर्मुलेटिंग द लॉज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म? एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, एंड हेयर आर योर ऑप्शंस एंड योर पोल स्टार्ट्स फॉर 15 सेकेंड्स नाउ. अब देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोग गलत हो या जहां से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो गलत है, तो आप एक बार गूगल पे जरूर कंफर्म कर लो. मेरे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. जबकि आप में से सिर्फ दो लोगों ने ये आंसर दिया है, एंड रेस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड फॉर माइकल फेराडे. सो प्लीज कंफर्म व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बिकॉज दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट. हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं. फराडे आएगा पक्का? सो प्लीज कंफर्म दिस, बिकॉज फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन द क्वेश्चंस, वहां पे आंसर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल लिखा हुआ था. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस दिया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखो एक बार, जस्ट गूगल इट वंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसने दिया था, इसको एक बार कंफर्म कर लो जब तक क्लास चल रही है. ठीक है, दिस इज द आंसर आई हैव गॉट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट? बेसिक प्राइमरी कलर नहीं पूछा आपसे, प्राइमरी कलर ऑफ लाइट पूछा है. ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूं. बी ही होगा ना आंसर रौनक? हाँ, मैक्सवेल इज द आंसर. सो मैक्सवेल ही है उसका आंसर. मैक्सवेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर ग्राउंड ब्रेकिंग. In 1864, Maxwell formulated a theory that unified electricity and magnetism, demonstrating that electric and magnetic fields propagate through space as waves at the speed of light. Very good, Darshan. Thank you for sharing this. So, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर मैक्सवेल ही है. ठीक है, अब आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 का. सो क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कि लाइट का प्राइमरी कलर इसमें से कौन सा है. Which color is considered as the primary color of light? सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा. देखो, क्योंकि हम नॉर्मली जो प्राइमरी कलर्स लेते हैं वो होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी कलर्स, वी हैव थ्री प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू. बट यहाँ पे प्राइमरी कलर ऑफ लाइट पूछा है. सो प्राइमरी कलर ऑफ लाइट जो है इसमें से आंसर, वो है सियान. तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चन. सो इसका आंसर रेड नहीं है. रेड, ग्रीन, ब्लू आर थ्री प्राइमरी कलर्स टू मेक एनी अदर कलर, बट लाइट का प्राइमरी कलर जो है वो इन ऑप्शंस में से सियान है. ओके, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट सोडियम? व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट सोडियम? क्वेश्चन नंबर 14. ये तो हो सकता है कि याद हो, आपने 10th में पढ़ा हो तो, बट लेट्स सी. हेयर इज योर होल. वेरी गुड, सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर इन दिस. वेरी नाइस, ऑलमोस्ट ऑल करेक्ट आंसर है. ऑलमोस्ट ऑल करेक्ट आंसर है. सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, एन ए. एन ए इज सोडियम. सो एन ए इज द chemical symbol of sodium. Okay, who is known as father of computing? Who is known as father of computing?
हेयर इज योर पोल, ओके सो हेयर व्हाट वी हैव, इसका आंसर चार्ल्स बैबेज है, पर इसमें आपके पास एक चीज हो सकती थी अगर इसमें बोला जाता मॉडर्न कंप्यूटिंग के फादर बताओ. सो एक है आपके पास फादर ऑफ कंप्यूटर, वो है चार्ल्स बैबेज, एंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग विल बी एलन ट्यूरिंग. ठीक है, अगर मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए पूछ लिया तो एलन ट्यूरिंग होगा, अदरवाइज फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा तो चार्ल्स बैबेज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? क्वेश्चन नंबर 16, वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? हियर इज योर पोल. All correct answer almost. So answer is Newton. Very good. So correct answer for this question is Newton. Okay, next question. Which programming language is commonly used for data analysis and scientific computing? All correct answer aana chahiye iske upar. Here is your poll for this question. Most of you have answered it correct. The answer is Python. Pascal किसी स्कूल में भी नहीं पढ़ाते बेटा आजकल तो. पाइथन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. पाइथन जो है वो आपकी डेटा एनालिसिस के लिए यूज होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन? हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? Here is your poll for this question. किसका अनअटेम्प्टेड हो गया? अच्छा, इसमें भी अनअटेम्प्टेड 8 लोगों का दिखा रहा है इस क्वेश्चन में. इट इज शोइंग कि 8 ऑफ यू कुड नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन. आंसर इज जोहानिस केपलर. I'll increase the time for the next poll. What is the chemical symbol for the element potassium? What is the chemical? देखो chemical symbols जो main main है ना वो याद कर ही लेना क्योंकि उसके ऊपर questions आते हैं. ठीक है, सो इट्स बेटर दैट यू मेमोराइज दैट. एंड हियर इज योर पोल. आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स टाइम दिस टाइम.
वेरी गुड, ऑल करेक्ट आंसर. आंसर इज पोटेशियम का आंसर है के. सो के इज द सिंबल फॉर पोटेशियम. And here comes last question for the time being. That is, who is known as father of biology? You have to tell what is the correct answer out of the given options. Good. Great. Time up. So the correct answer was option number C. आधे लोगों ने सही आंसर दिया है. That is Aristotle. He is known as father of biology, right? So we see the final leaderboard now. We have Vikas, Kanishka, and Tanishka on top three positions on the leaderboard. Well done.